हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नयन सर। टुडे आई एम सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 12। ये वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर है 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय बाइकुल एफ एक्स 1.1 एंड ऑन टू वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट थ्री इफ द डोमेट्रिक आर इज प्लेस्ड बाय एन विद कोऑर्डिनेट एज आर। आंसर है इट इज गिवन दैट एफ सच दैट आर टू आर गिवन है ना, इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। तो 1/1 के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, 1/x इक्वल टू 1/y, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। जब एक्स इक्वल टू वाई हो जाए तो लिख देंगे एफ इज 1/1। ऑन टू इज ऑन टू के लिए क्या करें, क्लियर दैट वाई बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वाई, 1/y बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1, 1/y इक्वल टू वाई रह जाएगा, तो एफ इज ऑन टू। दस द गिवेन फंक्शन एफ इज 1/1 एंड ऑन टू। इसी टाइप से नाउ कंसिडरिंग ऑप्शन जी, एक न्यू फंक्शन लेंगे जी, जी एक्स इक्वल टू 1/x बी एफ जी एक्स जी एक्स टू 1/x1 1/x2, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू एक्स टू, जी वन इज 1/1 जी इज नॉट 1/2 एज 1/2 बिलोंग्स टू आर, हैंस फंक्शन जी इज 1/1 बट नॉट ऑन टू। इस टाइप से इसी तरीके से क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 3, 4, बी इक्वल टू 4, 5, 6, 7, एफ इक्वल टू 1, 4, 2, 5, 3, 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1/1। तो सॉल्व कर रहा हूँ, इट इज गिवन दैट ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 4, 5, 6, 7, एफ सच ए टू बी इज डिफाइंड एज एफ इक्वल टू 1, 4, 1, 4, एक साथ 2, 5, 3, 6, यहाँ कोई पेयर नहीं है तो इसलिए इसका भी कोई पेयर नहीं बनेगा। तो एफ वन हो जाएगा 4, एफ टू हो जाएगा 5, एफ थ्री हो जाएगा 6। इट इज सीन दैट द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, हैंस एफ एक्स इज 1/1। इनकी वैल्यूज फंक्शन मिल रहे हैं हमें, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1/1 हो जाएगा। थैंक यू।